हे दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज डेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आ गई हैं बहुत सी वैकेंसियां, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, मैं जॉब से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग संघ लोक सेवा आयोग की ओर। तो यहाँ पर आपको संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट खुली हुई दिख रही होगी। यहीं पर आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जा करके वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। आपके सामने ये कई टैब्स दिख रहे होंगे, आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस यहाँ पर खुला हुआ आ जाएगा, जिसमें वैकेंसी नंबर, पोस्ट का नाम और आवेदन का लिंक दिया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 9 नंबर्स ऑफ पोस्ट यानी पोस्ट के प्रकार आए हुए हैं। सबको क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल आपको खुल जाएगी। जैसे इस पर क्लिक करने पर इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर खुल गई है। आपको इतना ना करना पड़े, इसके लिए मैंने इसका एक छोटा फॉर्मेट बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल 9 नंबर्स ऑफ वैकेंसी है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी पोस्ट है और कितनी इसकी एज लिमिट है, सैलरी कितनी होगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इन्हीं पोस्ट की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर बनाया हुआ है एक्सेल की फाइल। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूपीएससी वेरियस पोस्ट, परमानेंट पोस्ट हैं ये सारी और उसकी डिटेल। फर्स्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर शिपिंग की, तो यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर शिपिंग की फर्स्ट पोस्ट आई हुई है, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका एजुकेशनल डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 10 में इसकी सैलरी ग्रेड है 56,100 से लेकर के 1,77,500 का, जिसकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। दूसरी यहाँ पर वैकेंसी स्पेशलिस्ट ग्रेड में आई हुई है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी, वेनेटोलॉजी और लैप्रोस्कोपी में है। यहाँ पर आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंसर्न स्पेशलिटी यानी कि आपकी डर्मेटोलॉजी, वेनेटोलॉजी और लैप्रोस्कोपी में होनी चाहिए। आपके पास डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन या फिर मैजिस्ट्रेट चिरागी भी MCH की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिसका मैट्रिक्स है 67,700 से 2,08,000 का, प्लस इसमें NPA और ऐड होगा, जिसकी जो एज लिमिट है वो 40 साल की है। थर्ड यहां पर वैकेंसी निकली हुई है स्पेशलिस्ट ग्रेड की, ये भी वैकेंसी है, जिसमें आपका मेडिकल गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी का प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, जिसका पे मैट्रिक 67,000 से लेकर के 2,00,000 तक का है और एज लिमिट इसकी भी 40 साल है। इसके लिए भी आपके पास MBBS की डिग्री और डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, साथ में 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका जो वेरियस फॉर्मेट है और जो वेरियस नोटिफिकेशन है वो मैं वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। स्पेशलिस्ट ग्रेड थर्ड यानी प्रोफेसर ऑप्थेलोमोलॉजी की भी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपके पास MBBS डिग्री होनी चाहिए, मास्टर चिरागे की डिग्री होनी चाहिए और साथ में ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसका पे मैट्रिक 67,700 का है और जिसकी मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। एज लिमिट में आपको अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाएगा, जो भी 3 साल, 5 साल OBC, SC और फिजिकली हैंडीकैप के लिए अवेलेबल होता है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। यहां पर स्पेशलिस्ट ग्रेड थर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी की भी वैकेंसी आई हुई है, जिसकी मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है और 67,000 जिसका पे मैट्रिक्स है। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए
ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी में साथ में 3 साल का अनुभव होना चाहिए। 5th जो डिग्री आई हुई है स्पेशलिस्ट कैडर में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की आई हुई है, इसके लिए भी सेम रिक्वायर्ड मांगी हुई है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, MBBS की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंसर्न स्पेशलिटी में, और आपके पास यहाँ पर डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन होना चाहिए जिसका पे मैट्रिक 67,700 का है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्पेशलिस्ट कैडर पेडियाट्रिक सर्जरी की। ये डिग्री थी आपकी पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की और दूसरी है पेडियाट्रिक सर्जरी की जिसका पे मैट्रिक 67,000 से 2 लाख का है। मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। MBBS की डिग्री इसके लिए भी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7वें के बाद हम लोग 8वीं डिग्री की बात करते हैं जिसमें प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का असिस्टेंट प्रोफेसर Grade 3 की स्पेशलिस्ट की वैकेंसी आई हुई है जिसमें MBBS की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें आपके पास कंसर्न स्पेशलिटी यानी कि प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में होना चाहिए। साथ में आपके पास डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की भी डिग्री होनी चाहिए जिसका पे मैट्रिक्स यहाँ पर 67,700 का है। ये सारी पोस्ट आपकी नॉन गजटेड थी सिवाय फर्स्ट पोस्ट को छोड़ करके। फर्स्ट पोस्ट यहाँ पर गजटेड क्लास ए लेवल की फोर्स है, असिस्टेंट डायरेक्टर शिपिंग की यहाँ पर जो पोस्ट आई हुई है। 9th पोस्ट में हम बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर बैलिस्टिक की, यहाँ पर इसके लिए MBBS की डिग्री चाहिए जो कि कंसर्न स्पेशलिस्ट में होनी चाहिए। इसका 67,700 का पे ग्रेड है प्लस NPA भी इसमें ऐड होगा। आपके आप डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन की डिग्री भी होनी चाहिए जिसकी मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। तो ये सारी चीज़ें थी जो टोटल वैकेंसीज निकली थी, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, सैलरी और एज लिमिट, पोस्ट नेम, सारी चीज़ें आपको यहाँ से जानने को मिल गई हैं। आपको अगर अप्लाई करना है तो आप सीधा इसकी वेबसाइट पर जा करके यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट upsconline.nic.in है। आवेदन का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है और फिर से ये नेक्स्ट पेज खुलेगा। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ लेनी है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर डिस्क्लेमर को टिक कर लेना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपने इससे पहले UPSC का फॉर्म भरा हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, कम्युनिटी, सारी चीज़ें आपको भर करके यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना होगा। उसके बाद में आपको ये सारी वैकेंसीज ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगी और सिर्फ इंटरव्यू के लिए जाना होगा जिसकी डिटेल आपकी ईमेल आईडी पर और मोबाइल पर भी आ जाएगी। वीडियो कैसा लगा है वीडियो पे कमेंट करके हमें बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।